नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भट्टागर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के पगारा और बेहड़ाघाट गांव में जनसंपर्क किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय योजना के जरिए राहुल गांधी जनता से सपनों को पूरा करेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने नसीहत दी कि भाजपा राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को ना पढ़ाए। आम सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि न्याय योजना से 5 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी। योजना के तहत हर साल बेरोजगारों को 72,000 रुपये दिया जाएगा, जिससे गरीब परिवार अपनी आय बढ़ाकर सपनों को पूरा कर सके। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा पूरा किया है। किसानों को खाद का कट्टा 400 रुपये का आता, जो अब 1400 रुपये का आ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को गेहूं पर दिए जाने वाले बोनस को भी बंद कर दिया। सरकार पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों से 12 मई को भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। 10 हॉर्स पावर तक बिजली बिल हाफ करके हमने भेज दिया। तो आपने कहा कर्जा माफ, बिजली बिल। अब मेरी बारी है, मैं आपसे बोल रहा हूँ भाजपा का सुपड़ा। गुना से अकिल खान की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ। गुना से